आदि मानव की उत्पत्ति एवं विकास पृथ्वी पर मानव की उत्पत्ति प्लास्टोसीन युग के आरंभ से मानी गई है। इस समय में स्तनपायी प्राणियों जैसे बंदर, हाथी, गाय का विकास हुआ और उत्पत्ति हुई थी। अधिकांश विद्वानों के अनुसार आज से लाखों वर्ष पहले नर वानर के रूप में मानव की उत्पत्ति हुई। पहले ये नर वानर वृक्षों पर रहते थे, लेकिन समय के साथ यह नर वानर वृक्षों से उतरकर अपने पिछले पैरों पर चलने लगे और पृथ्वी के धरातल को ही अपना निवास स्थान बना लिया और इस तरीके से मानव कहलाने लगे। आदि मानव अपने जीवन में खानाबदोश जीवन जीते थे। भोजन और आश्रय की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान में झुंड बनाकर घूमते थे। वह पेड़ों के फल व जानवरों का शिकार कर अपना भोजन प्राप्त करते थे। जब यह एक जगह पर फल व जानवर को खाकर खत्म कर देते थे तो अन्य स्थान की तलाश करते थे। आदि मानव का जीवन शिकार एवं फलों के खाद्य संग्रह पर निर्भर करता था। खाद्य संग्रहण करने के कारण इस काल को खाद्य संग्रहण काल के रूप में जाना जाता है। पानी के लिए आदि मानव नदियों, तालाबों और झरनों पर निर्भर था। भारत की कई जगहों पर आदि मानव द्वारा प्रयोग किए गए औजार प्राप्त किए गए। आदि मानव शिकार किए गए जानवरों के खाल या पेड़ों की पत्तियों से बने कपड़ों को पहनते थे। आदि मानव जंगलों में रहा करते थे, जहां उन्हें दो चीजों का डर रहता था, एक मौसम का, दूसरा जंगली जानवरों का। वह बादल के गरजने और बिजली के चमकने का कारण नहीं जानते थे, इसलिए वह भयभीत हो जाते थे। उस समय मानव काफी कमजोर हुआ करता था। वह बाघ, चीता, शेर आदि खूंखार जानवरों का आसानी से शिकार हो जाता था, इसलिए इन सब के बचने के लिए वह गुफाओं और पेड़ में छुपकर अपनी रक्षा करता था। एक समय बाद मानव ने आग की खोज की। यह संयोग था कि दो पत्थर जब आपस में टकराएं तो चिंगारी उत्पन्न हुई और पास रखकर सूखे पत्तों पर जा गिरी, जिससे कि पत्तियों पर आग लग गई। फिर इस आग का प्रयोग मानव जंगली जानवरों को भगाने तथा अपनी रक्षा के लिए करने लगा। रात को जब सभी आदि मानव साथ में इकट्ठा होते थे तो गुफा के बाहर यह आग जला देते थे, जिससे जंगली जानवरों द्वारा उनकी रक्षा होती थी। साथ ही आग का प्रयोग भोजन पकाने और खुद को गर्मी देने के लिए इसका प्रयोग करते थे। आगे चलकर मानव ने पत्थरों के औजार बनाने का कार्य शुरू किया। इन्हीं कारण वह समय आगे चलकर मानव के पत्थरों के औजार बनाने का कार्य शुरू किया। इन्हीं कारण उस समय को पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल तथा नवपाषाण काल, ये काल आखेटक के रूप में भी जाना जाता था। आदि मानव के हथियार भी चकमक पत्थर के बने होते थे और इनकी धार तेज थी तथा इन्हें अनेक आकार दिए जा सकते थे। इसके अलावा मानव पत्थरों के साथ हड्डियों के हथियार भी बनाया करते थे। इससे मानव को अनेक लाभ मिले और पेड़ की टहनियाँ काटने लगा, जमीन खोदने लगा, जानवरों के मांस को काटने का प्रयोग करने लगा। आदि मानव को सभ्य और खास संग्रह से खाद्य उत्पाद बनने में लगभग 3 लाख वर्ष लग गए, लेकिन खाद्य उत्पादक बनाने के बाद मानव ने बहुत तेजी से उन्नति की। जैसे जैसे विकसित होते गए वो अनेक खोज करने लगा। उसके बाद उसे पशुपालन, धातुओं की खोज, पहिए की खोज, फसलें उगाने का कार्य किया तथा आधुनिक रूप में बदलाव की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।